आप ही करें। परित्याग का निर्णय महर्षि गौतम का था, उसे वापस भी नहीं ले सकते थे। वो तो हिमालय की कंदराओं में एकांत वास के लिए चले गए, किंतु अब समय है इस अन्यायपूर्ण मान्यता को नकारने का। तब फिर आप ऋषि समाज ने विरोध के स्वर क्यों नहीं उठाए? किसके विरोध में स्वर उठाते हम, किसके विरोध में? महर्षि के। उन्होंने तो संसार को त्याग दिया, स्वयं अपने आप को दंड दे रखा है, किंतु अब समय है देवी अहिल्या को मनाने का। तात्पर्य गुरुदेव? देखो राम, देवी विदुषी है, तेजस्विनी है, माननी है। देवी ने दंड को पूरी गरिमा के साथ अंगीकार किया है। यदि स्वयं बहिष्कार करती तो किसमें साहस था जो उनके सम्मुख प्रतिरोध में खड़ा रहता। राम, अब तुम्हें देवी को मुख्य धारा में लाना होगा। आप ऋषिगण उन्हें मनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। देवी को मनाने का सामर्थ्य तो मात्र एक व्यक्ति में है। वो कौन गुरुदेव? राम। राम के सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो देवी के मान को झुकाकर उनके वात्सल्य को उभार सके। परंतु गुरुदेव, देवी मुझसे भी तो वही प्रश्न कर सकती है कि मुख्य अपराधी तो इंद्र हैं, फिर दंड मात्र उन्हें ही क्यों भोगना पड़ा? राम, तुम्हें पुत्र रूप में सामने पाकर देवी का वात्सल्य जाग उठेगा, उनके वात्सल्य को उस सीमा तक जागृत कर सकते हो तुम जो उनके मान को परिचित करते। परंतु मैं ही क्यों गुरुदेव? उनका पुत्र और उनकी पुत्री भी तो। हां है। प्रथम तो अपने माता पिता की द्वंद में इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं है, और यदि वो सक्षम हो भी जाते हैं तो देवी का अपना रक्त है वो। अपने रक्त के साथ तो मान और भी प्रबल हो उठता है। राम, देखो, विचार मंथन में समय नष्ट ना करो, प्रस्थान करो, जाओ प्रस्थान करो। जो आज्ञा ऋषिवर।